एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ के पकवान में। मैं हूं आपकी शेफ फरीहा। सबसे पहले तो रमज़ान के महीने की मुबारकबाद मेरे तमाम व्यूअर्स को। अल्लाह इस महीने की बरकत से तमाम मुसलमानों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और सबके दस्तरखान इसी तरह मज़े मज़े पकवान से सजे रहें। तो चलिए, आज की रेसिपी भी कुछ इसी हवाले से है, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो है मज़ेदार से स्प्रिंग रोल। तो जल्दी से रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इफ्तार का टाइम करीब आता जा रहा है। जल्दी से चलिए मेरे साथ रेसिपी स्टार्ट करें और आप लोग भी आज अपने घर में यही स्प्रिंग रोल बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे साइज की बंद गोभी, उसे मैंने बारीक काट लिया है। एक प्याली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक प्याली गाजर बारीक कटी हुई, एक प्याली मटर उबले हुए, नमक डालकर इसको उबाल लिया है मैंने। कुछ को मैंने मैश कर लिया है और कुछ ऐसे ही साबुत रखे हुए हैं। एक प्याली मोजरेला चीज, दो से तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटे साइज की प्याज वो भी बारीक कटी हुई, वन टीस्पून कुटी लाल मिर्च, वन टीस्पून कुटी काली मिर्च, हाफ टी स्पून टू से थ्री टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, टू टेबलस्पून सोया सॉस, वन टीस्पून जीरा भुना हुआ, वन टीस्पून चिकन पाउडर, और ये दो कनौट क्यूब्स हैं, इसको मैंने हाथ से मैश कर लिया है। फ्राई के लिए ऑयल, और ये देख लीजिए ट्रायंगल शेप में रोल की पट्टियां हैं, इसको मैंने बीच से हाफ कर लिया है। तो ये छोटे साइज की कर ली हैं, तो व्यूअर्स चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। दो से तीन चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, इसमें मैं डालूंगी प्याज और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी साथ ही डाल देंगे और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमें अपने रोल्स को फ्राई करना है, तो इसकी स्टफिंग में हमें ऑयल नहीं इतना चाहिए। जी तो व्यूअर्स देखिए, हमारी प्याज और हरी मिर्चें हल्की सी फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी बंद गोभी, हमें सब्जियों को इतना कुक नहीं करना है, हल्का सा हमें बस फ्राई करना है, वरना उसकी तमाम कलर चेंज हो जाते हैं, बहुत खराब लगता है वो। फ्रेश रखना है हमें सब्जी का कलर। ये देखिए बंद गोभी डालने के बाद मैंने डाली इसमें शिमला मिर्च, गाजर मैंने थोड़ी सी बचा ली है क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वो रेड कलर हो जाता है। ये गए इसमें मटर उबले हुए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है मटर से। अब मैं इसमें बाकी तमाम मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट, ये गए इसमें ब्लैक पेपर, छोटी लाल मिर्च, ये मैंने इसमें डाला सोया सॉस, जीरा भुनावा पिसावा। अच्छा, चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना ऐसा कोई इशू नहीं है, इसमें टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है क्योंकि स्प्रिंग रोल ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, मटर डालने से तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, और हमने जो कनौर क्यूब्स डाली है उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। ये मैंने इसमें डाल दी कनौर क्यूब्स, मैश करके इसको मिक्स करते जाइए, बस ये डिजोल्व हो जाएगी इसी में। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें, देखिए कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, तमाम वेजिटेबल का कलर इसका बिल्कुल रियल है। ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है वरना वेजिटेबल अपना पानी छोड़ देगी और वो सॉफ्ट हो जाएंगी, तो हमें इतना ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपके रोल कैसे बने, और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज पहला रोज़ा है, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं स्प्रिंग रोल। चिकन रोल तो सभी बनाते हैं, चिकन की ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज हो जाती हैं,
इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर की जाए। अभी आप इसको देखिएगा, मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। आगे आपको मैं दिखाऊंगी ये रोल मैं बनाऊंगी किस तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से बन रहे हैं ये। इसका फ्राई करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। जब ये तैयार हो जाए, बस ये हमारा फिलिंग इसकी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके मैंने चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड कर दूंगी, 3 चम्मच। बस ये देखिए हमारी फिलिंग बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ और एक बर्तन में निकालती हूँ, फिर उसके बाद आपको रोल बनाना बताऊंगी। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए ट्रायंगल शेप में मेरे पास रोल पट्टी है, मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ रोल की। 1 चम्मच भर के मैंने लिया है और इसको मैंने रखा है सेंटर में। मोजरेला चीज़ डालना है मैं इसमें, जो मैंने ग्रेट करके रखी हुई है। ये देखिए इसके ऊपर मोजरेला चीज़ रखी मैंने और इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये मेरे पास आटे की लई है, इसको मैं इसके कॉर्नर पे लगाऊंगी और इसको हमें अच्छे से फोल्ड कर देना है। बिल्कुल टाइट हाथों से कीजिएगा। ये देखिए ये हमारा रोल बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से 1-2 में और बनाऊंगी। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए मैंने 5 से 6 रोल बना के रख लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, इसको सबसे पहले मैंने अंडे में डिप किया और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। प्री हीट के लिए मैंने अपना ऑयल रख दिया है फ्राई पैन में और ये मैं ब्रेड क्रम्स में कोट करती जाऊंगी और इसको हाथ के हाथ डालती जाऊंगी। बहुत मज़ेदार ये स्प्रिंग रोल तैयार होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत टेस्टी होते हैं ये। बस इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। बस अब इसको हम टर्न कर रहे हैं, एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस इसको मैं टर्न कर देती हूँ। बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है, लाइट गोल्डन कलर का ये हो जाए तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो व्यूवर्स देखिए, यहाँ पर मेरे स्प्रिंग रोल फ्राई हो रहे हैं जब तक मैं आपको इसके साथ बहुत ज़बरदस्त सी इमली की चटनी बता रही हूँ। ये मैंने निकाला है, इमली का बल्ब है ये। इसके अंदर मैं डालूंगी कुटी लाल मिर्च, नमक, जीरा पाउडर और ये मैंने इसमें डाला है शहद, 1/2 टीस्पून शहद का इसमें मैंने डाला है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। ये इसमें गई प्याज थोड़ी सी और ये मैंने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये बहुत ज़बरदस्त सा सॉस है ये। बहुत टेस्टी बनता है ये। ये लिया है जी तो व्यूअर्स, देखिए बहुत प्यारा सा कलर लाइट गोल्डन आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देख सकते हैं चीज़ निकल रही है अंदर से, बहुत प्यारे फ्राई हुए हैं ये स्प्रिंग रोल, खाने में भी बेहद मज़ेदार। ज़ूम कर दो।
जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, मज़ेदार क्रिस्पी स्प्रिंग रोल और इसके साथ खट्टी मीठी इमली की चटनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, मज़ेदार क्रिस्पी स्प्रिंग रोल और इसके साथ खट्टी मीठी इमली की चटनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको इसको अब तोड़ के बताती हूँ, अंदर से खोल के बताती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, आप ये देख सकते हैं इसका टेक्स्चर अंदर। बहुत मज़ेदार जूसी सॉसी सा एकदम, और इसमें जो चीज़ डली है उसका टेक्सचर भी देख लीजिए आप। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।